हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने जारी किया गौरव संकल्प पत्र। जयपुर काफी दिनों से पार्टियों के घोषणा पत्रों का इंतजार कर रहा था। इसमें सबसे पहले करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले घोषणा पत्र पर पूरी निष्ठा से कार्य करने और उसमें किए गए वादों को 80% से अधिक पूरा करने की बात कही। उन्होंने पूरे 5 वर्षों की उपलब्धियों का बखान किया। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जारी किया। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के प्रयास करने की दिशा में परशुराम बोर्ड बनाने का भी वादा पार्टी ने घोषणा पत्र में किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, प्रदेश प्रमुख प्रकाश जावड़ेकर, मीडिया प्रमुख सुधांशु त्रिवेदी, के शर्मा और ओंकार सिंह लखावत ने घोषणा पत्र जारी किया। 50 लाख रोजगार देने का संकल्प। घोषणा पत्र को इस बार गौरव संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। इस बार युवाओं को 50 लाख रोजगार देने का संकल्प पार्टी ने घोषणा पत्र में लिया है। इसके साथ ही ऐसी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी जो सभी जिलों को जोड़ेगी। 250 करोड़ ग्रामीण स्टार्टअप फंड। ग्रामीण स्टार्टअप फंड के लिए घोषणा पत्र में 250 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को प्रमुखता देते हुए सभी जिलों में योगा भवन खोलने का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर कार्य करने का भी वादा किया गया। इसके अलावा अन्य कई वादों को घोषणा पत्र में प्रमुखता से लिया गया है। इनमें पूर्व किए गए वादे भी शामिल है। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।